सोलहवीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी कार्यवाही। आज स्पीकर का निर्वाचन होगा और सर्वसम्मति से निर्विरोध स्पीकर चुने जाएंगे। वासुदेव देवनानी ने कल 5 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। कांग्रेस में अन्य दलों की विधायक भी देवनानी के प्रस्तावक बने और देवनानी के अलावा अगर बात करें तो अन्य किसी विधायक ने नामांकन प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में आज निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे वासुदेव देवनानी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और 2 दिन का ये सत्र है। कल पहला दिन रहा जहां पर विधायक पद की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और तमाम विधायकों ने विधायक शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली। अब उसके बाद जो भी शेष विधायक है वो 8 शपथ ग्रहण करेंगे विधायक पद की। जो स्पीकर का आज निर्वाचन किया जाएगा, हालांकि देखिए घोषणा कर चुकी है कि वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। और लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन होने वाला है, क्या कुछ आज दूसरे सत्र में देखा जा सकता है? देखिए ऐसा बिल्कुल आज दूसरा सत्र है और ये जो 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया था 16वीं विधानसभा का, ये एक्चुअली 2 दिन का था। इसमें पहले दिन विधायकों की शपथ होनी थी और दूसरे दिन स्पीकर का निर्वाचन होना था। तो कल करीब लगभग 191 विधायक में शपथ हुई है, बाकी जो बच्चे हैं इनकी आज शपथ हो जाएगी और इसके बाद जो स्पीकर की निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसका आरंभ होगा। 2:30 बजे सदन आहूत किया गया है। इसके बाद क्योंकि निर्वाचन निर्विरोध होगा, सर्वसम्मति से माना जा रहा है कि किसी दूसरी पार्टी की तरफ से किसी ने भी निर्वाचन दाखिल नहीं किया है और वास्तविक देवनानी के जो प्रस्तावक बने हैं वो तो कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के बने हैं। ऐसे में ये निर्विरोध निर्वाचन होगा और इसके बाद सदन आगे के लिए स्थगित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जानकारी के लिए आपका।